टुडेज टॉपिक इज ब्रायोफाइटा, एज यू ऑल नो दैट इंट्रोडक्शन. आपको पता ही है ब्रायोफाइट्स क्या हैं हमारे. अगर हम जनरली कोई आपसे पूछता है तो ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा है. यहीं से प्लांट्स में एम्ब्रियो एम्ब्रियो पता है ना क्या होता है. जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो जाइगॉट बनता है. अभी आपने एल्गी का जब लेक्चर अटेंड किया था तो आपने पढ़ा था कि जाइगॉट फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपने वहाँ एम्ब्रियो नहीं पढ़ा था. तो यहाँ ब्रायोफाइट से आपका एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है प्लांट्स में. और ब्रायोफाइट के बारे में आपको पता भी होगा, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, दे आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम्स. ठीक है ना. अब एम्फीबियन तो आप लोगों ने लग रहा होगा जूलॉजी में पढ़ा था भाई, एम्फीबियन हम प्लांट्स में कैसे पढ़ सकते हैं. बिकॉज एम्फीबियन किस टाइप के प्लांट्स होते थे जिनको लैंड एज वेल एज वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती थी फॉर टू कम्प्लीट दियर लाइफ साइकिल. तो ऐसे ही ये प्लांट भी हैं, इनको लैंड एज वेल एज वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. मैक्सिमम टाइम जिनका हैबिटेट है वो तो इनका क्या है, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस जो होती हैं, जो थोड़ा पानी सीलन ऐसी जगहें जहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है उस जगह पे ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही शो करते हैं. लेकिन पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी के बिना इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी कि एग तक आपके एंथ्रोजॉइट्स नहीं पहुँचेंगे. यहाँ पे मेल गैमिट्स को हम स्पर्म नहीं कह के क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइट बोलेंगे. ठीक है, ये मेन टर्म जो यूज़ होती है ब्रायोफाइट के कंटेक्स्ट में होती है, और ये शॉर्ट नोट के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है. एंथ्रोजॉइट्स पे शॉर्ट नोट क्या होता है, अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे. तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये ब्रायोफाइट जो हम पढ़ रहे हैं ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, किसने क्वाइन किया था इसको. तो दिस टर्म वाज क्वाइन बाय रॉबर्ट ब्राउन. इट्स नॉट रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन नहीं है, कई बच्चे से ब्राउन कर देंगे. ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी, लेकिन ये है रॉबर्ट ब्राउन, BRAUN, 1864 में इनकी खोज हुई. मतलब ये टर्म उन्होंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, ब्रायोफाइट. अब ये क्या है, अगर हम इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलें तो ये कैसे है, नॉन वेस्कुलर. अब ये नॉन वेस्कुलर आपके दिमाग में बार बार घुस रहा होगा ना कि क्या है नॉन वेस्कुलर, किसे कहते हैं. नॉन वेस्कुलर वो प्लांट्स होते हैं जिनमें की वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि आप कॉमनली पता है जाइलम एंड फ्लोएम एबसेंट होता है. तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता. जाइलम एंड फ्लोएम की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स. तो इसलिए टेरिडोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट. लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता. ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट जरूर शो कर रहे हैं, दो दे आर शोइंग द टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, लेकिन वो भी कैसी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है, जो कि नमी युक्त हो, जहाँ पे पानी ज्यादा हो. ठीक है, सो नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स इन विच अ मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट लिव्स. ये दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपसे एग्जाम में वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और ये आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पुट अप होगा कि ये बताइए प्लांट किंगडम में जो स्पोरोफाइट है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस ग्रुप ऑफ प्लांट में शो करता है. तो उसका ना उसका एग्जाम्पल आपका बेस्ट नोन है ब्रायोफाइट. इनका जो स्पोरोफाइट होता है, अभी आप जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि दो स्टेजेस, ये मैंने एल्गी में भी आपको बताई थी कि एक गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, एक स्पोरोफिटिक स्टेज होती है. स्पोरोफिटिक का मेन काम क्या होता है, स्पोर्स बनाना. ठीक है, तो इसका क्या है, इन विच अ मल्टी सेलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट लिव्स एज अ पैरासाइट ऑन एन इंडिपेंडेंट मल्टी सेलर हैप्लॉयड गैमिटोफाइट. यानी कि इनके गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट अपना न्यूट्रिशन खींचता है, जैसे होते हैं ना पैरासाइट, जैसे एल्गी के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था सिफिलरोस फरेसेंस. तो इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर जो आपका ब्रायोफाइट है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज होती है गैमिटोफिटिक, तो इसलिए स्पोरोफिटिक तो कैसी होती है यहाँ पे, अगर वो डोमिनेंट है तो ये स्पोरोफाइट कैसे होती है, रेसेसिव स्टेज होती है. लेकिन यहाँ का स्पोरोफाइट क्या होता है, पैरासाइट होता है. किसके ऊपर पैरासाइट होता है, गैमेटोफाइट पे. और कल हमने एक बात भी की थी आपको, एल्गी और ब्रायोफाइट में एक डिफरेंस मैंने बताया था. क्या डिफरेंस बताया था मैंने, यही बताया था आपको कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होंगे, एल्गी के सेक्स ऑर्गन क्या थे, उनमें कोई भी स्टेराइल जैकेट लेयर नहीं थी, लेकिन इनके सेक्स ऑर्गन के बाहर स्टेराइल जैकेटेड लेयर होती है जो कि इसका एक पैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट और एल्गी में मेन बेसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप बताइए. तो आपसे यानी कि एग्जामिनर यही वाला पॉइंट जानना चाह रहा है कि उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बीच का डिफरेंस. तो वहां पे आपको बताना है कि एल्गी के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोई स्टेराइल जैकेट लेयर हमने वहां नहीं पढ़ा, लेकिन आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए इनके बाहर कुदरत ने क्या दिया हुआ है, स्टेराइल जैकेट लेयर एक प्रोवाइड की. जैसे जैकेट पहन के आपको सर्दियों में क्या होता है, गर्मी का एहसास, और जैकेट इतनी ज़्यादा फ्लफी होती है, उसके अंदर इतना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम भी नहीं होती उसमें ना, कहीं कुछ लग जाए या चुभ जाए तो नहीं चुभे. ऐसे ही इनको प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने मल्टी सेलर जैकेट सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइड किए. अच्छा, अब आ जाते हैं
तो अगर हम बात करें कि जो एम्ब्रियो, ये जो ब्रायोफाइट है वो कैसे हो गए, मैंने बोल रहा ना यहाँ एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है, आर्चिगोनियट बोलेंगे ऐसों को, और क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोफाइट्स, क्योंकि यहीं से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है प्लांट्स में, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स में कि सबसे अच्छा काम या सबसे फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसको हम रेफर करते हैं, तो ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये हैं प्रोफेसर SR कश्यप। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हम किसको कंसीडर करते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं हमारे प्रोफेसर SR कश्यप। ये नाम याद, अब ब्रायोलॉजी क्या हो गया इसका मतलब, ब्रायोलॉजी में क्या पढ़ गया, जैसे एल्गी की ब्रांच क्या पढ़ी थी हमने, फाइकोलॉजी, सो नाउ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच, या ब्रांच ऑफ द बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्रायोफाइट्स, वी कॉल्ड इज एज बट ब्रायोलॉजी, ओके। सो दे नेक्स्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बार बार हम इसको बोल रहे हैं, ये जरूर आप कोट करिए, द गैमिटोफाइट और हैप्लॉइड जनरेशन इज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पर हर प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आती हैं, गैमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, तो एल्गी और ब्रायोफाइट में कौन सी डोमिनेंट स्टेज रहती है, गैमिटोफिटिक, तो यहाँ भी गैमिटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, और ये कैसी है, हैप्लॉइड जनरेशन इज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट है ये आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं इसका नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा आप नोट डाउन कहीं कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। वैसे ब्रायोफाइट को हम क्या बोल रहे हैं कि कहाँ ग्रो होते हैं ब्रायोफाइट्स, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में ना, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इनका। लेकिन देखो मैंने कल भी आपको बताया था, एल्गी में भी आपने पेक्युलैरिटीज पढ़ा था, वहाँ भी एक्सेप्शंस पढ़े थे, तो यहाँ भी ब्रायोफाइट्स में बहुत अच्छे अच्छे एक्सेप्शंस हैं, कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि एक ऐसा ब्रायो, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट के नाम बताओ, हम बोल रहे हैं कि ब्रायोफाइट आर मोस्टली ग्रोन ऑन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, लेकिन कुछ ऐसे ब्रायोफाइट भी हैं क्या, देखो क्योंकि ये पानी से ही निकल के ये इवोल्यूशन हुआ है ना, पहले एल्गी, देन एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, तो एकदम तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि भगवान ने एकदम नहीं कर दिया होगा कि बिल्कुल एल्गी से जंप करके ब्रायोफाइट बन गया हो, कुछ उनके बीच के कनेक्टिव लिंक्स भी रहे होंगे, कनेक्टिव लिंक्स आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं, जब इवोल्यूशन होता है, जब हम लोअर से हायर ग्रेड की तरफ जाते हैं, तो बीच में कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाते हैं जो कि दोनों के कैरेक्टर्स अपने में समाये हुए होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ ब्रायोफाइट्स, तो डैम्प एंड शेडी प्लेसेस वाले हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो टोटली एक्वाटिक हैं, यानी कि वो सिर्फ पानी में ही आपको मिलते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सॉरी, हाँ ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके कुछ ब्रायोफाइट जो टोटली एक्वेटिक हैं वो है रिक्शिया फ्लूटेंस, रिक्शोकार्पस नेटांस, फॉन्टिनालिस एंड रेलिया, ये चार नाम याद कर लीजिए, लेकिन इसमें एटलीस्ट ये दो नाम तो आप याद ही कर लीजिए, रिक्शिया फ्लूटेंस एंड रिक्शोकार्पस नेटांस, ओके। सम ब्रायोफाइट क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, वट आर सैप्रोफाइट्स, बेटर एग्जाम्पल क्या है सैप्रोफाइट, अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम क्या आता है, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर में रहने वाला कौन है हमारा, फंजाई, तो ऐसी फंजाई के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करने वाला ब्रायोफाइट है वो है आपका बॉक्स बॉम या अफाइला, ये नाम याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्रिप्टो थैलस मिराबिलस भी है दूसरा, पर बॉक्स बॉम या आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट का नाम बताइए कोई, तो आपको ये आना चाहिए। कुछ होते हैं एपिफिटिक, एपिफिटिक मतलब कि जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ऐसे ब्रायोफाइट्स कौन से हैं, तो इसका आप ये नाम याद कर लीजिए, फ्रूलेनिया स्पीशीज, इसकी फ्रूलेनिया की स्पीशीज जो है वो एपिफिटिक होती है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जेरोफिटिक, अब तुम बोलोगे अभी तो सर आप बोल रहे हैं कि डैम्प एंड शेडी प्लेयर, ये जेरोफिटिक मतलब कि जेरोफाइट क्या होते हैं, जो डेजर्टेड इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, ऐसे इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं क्या जेरोफाइट, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे में भी आपके ब्रायोफाइट्स, तो उनके एग्जांपल हैं आपका पॉलीट्राइकम और दूसरा है टॉर्टुला, ठीक है, तो पॉलीट्राइकम तो थोड़ा आप याद ही रख लीजिएगा, जेरोफिटिक आपका ब्रायोफाइट है, या ये स्लाइड, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपके लिए आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने रखे हैं, जैसे लार्जेस्ट नोन ब्रायोफाइट की, भाई ब्रायोफाइट कितने होते, छोटे छोटे से, क्योंकि वैस्कुलर तो है नहीं, तो उनका साइज भी छोटा छोटा सा होता है, ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर्स ही बड़े होंगे, लेकिन कुछ होते हैं कि जो बहुत ज्यादा सेंटीमीटर्स बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे कौन से, एक है आपका डाउजोनिया, ये स्क्रीन में ये बच्चे अभी कुछ ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो स्क्रीन में दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, तो डाउजोनिया है, और दूसरा है फॉन्टिनालिस, इनकी लेंथ कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर्स तक ये पहुंच जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, 70 सेंटीमीटर्स आप खुद देख लो, आपका स्केल ही कितने का होता है, नॉर्मल स्केल जो हम कहते हैं 15 सेंटीमीटर का, तो बताइए कि कितने टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार से ज्यादा बार ना, क्योंकि 15 4 60 हो जाते हैं ना, तो 4.25 समथिंग, इतना तो इतनी बार आपको स्केल लेने, इतना लंबा
आपको ब्रायोफाइट दिख सकता है। तो ये भी आप एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए, और स्मॉलेस्ट भी कीजिए, बहुत छोटा सा, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर की बात नहीं, बिल्कुल मिलीमीटर में, मिलीमीटर तो बहुत छोटा सा होता है। तो वो है आपका जूपिस अर्जेंटिया, तो उसका नाम आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, है ना, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों, बिकॉज दे रिक्वायर बोथ वाटर एज वेल एज लैंड फॉर टू कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। ओके, सो नाउ मोस्टली ब्रायोफाइट्स आर फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ब्रायोफाइट्स आर फाउंड इन नदर्न एंड सदर्न हिमालयस एंड द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी आपको पता है साउथ हिल्स हैं, ठीक है, नदर्न एंड सदर्न, तो भाई हिमालयस की बात हो रही, तो हिमालय तो यू ऑल आर अवेयर हिमालय कहाँ है, हमारा स्टेट भी हिमालय का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रायोलॉजिकल स्टडी, तो क्योंकि गोल्ड माइंस, अगर लिवरवर्ट्स की बात करें हम, तो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज ही हैं जिसमें हमारा स्टेट भी आ जाता है। और गोल्ड माइंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिवरवर्ट्स बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, जो सबसे बेसिक जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जिसमें आपका रिक्शिया एंड मार्केशिया मेनली आता है, लिवरवर्ट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स, बिकॉज देयर बॉडी इज जस्ट लाइक लिवर, दे आर जस्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, लाइक मतलब रनिंग फॉर्म में, बिल्कुल ना तो उनमें कोई आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर दिखाई देगा, मतलब लिवर लाइक उनका अरेंजमेंट होता है, पूरा बॉडी प्लान होता है बिल्कुल फ्लैटेंड। तो दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स आर नोन एज लिवरवर्ट्स, और इससे शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपके पास कि लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स सबसे अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लीज नोट डाउन करते चलिए, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि इनका भी जो प्लांट बॉडी होती है वो ज्यादा इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता, अगर हम लोअर वालों की बात करें तो। फिर आगे पहुंचेंगे जैसे मसाइफ और मॉसेस होती है, वहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो इनकी बहुत मतलब इनकी बॉडी भी परफेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं होती, क्योंकि इसमें रिक्शा मार्केशिया भी आप पढ़ोगे तो इनकी बॉडी कैसे हो जाती है, इधर थैलॉइड और फोलियोज टाइप भी हो सकती है। थैलॉइड मतलब वही जो मैंने लिवरवर्ट्स बताए कि बिल्कुल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, और फोलियोज मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत लीव्स लाइक अपीयरेंस आपको शो हो जाए, तो फोलियोज लीव के लिए यूज होता है। इन थैलॉइड फॉर्म द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू, अगर थैलॉइड की, कल भी हमने थैलस बोला था ना एल्गी को थैलॉइड, तो वही जिसमें टू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स आप ना आइडेंटिफाई कर पाए, तो ऐसे इनमें भी टू रूट्स स्टैम्स और लीव्स नहीं दिखाई देती जो उनके थैलॉइड फॉर्म होती है, जैसे रिक्शिया एंड मार्केशिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अनलाइक वेस्कुलर प्लांट्स टू रूट्स, वैसे तो इनमें रूट्स पाए, हम रूट बोलना तो इनके कंटेक्स्ट में गलत ही होगा, क्योंकि इनमें जो रूट्स होती हैं वो एग्जैक्टली रूट्स नहीं होती, वो फेमरल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम राइजोइड्स कहते हैं। तो राइजोइड्स पे भी आपके शॉर्ट नोट आ सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है। तो अनलाइक वेस्कुलर प्लांट ट्रू रूट्स आर नॉट फाउंड अमंग द ब्रायोफाइट्स, द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज कैरिड आउट बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हेयर लाइक राइजोइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि ब्रायोफाइट में जो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन जो ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, प्लांट बॉडी तक ले जाने का काम करते हैं, उसको क्या हम रूट कहते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो योर आंसर विल बी, उनको रूट कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, उनको हम क्या कहेंगे, राइजोइड्स कहेंगे, ठीक है। तो राइजोइड्स कैसे होते हैं, इनके पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर वो होंगे जिनमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा, जो एक ही जैसे दिखाई देंगे, और जहां पे आपके सेप्टम यानी कि डिफरेंशिएशन दिखाई दे दो, मतलब पूरे उसमें थैलस में या जो स्ट्रक्चर में उसके, सॉरी राइजोइड के स्ट्रक्चर में, तो उसको हम तब बोल देंगे वो मल्टीसेलुलर, अगर सेप्टम प्रेजेंट हो तो उसमें, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए आप, ये एक मार्केशिया का थैलस आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका डॉर्सल व्यू है, और ये जो गोले गोले आपको दिखाई दे रहे हैं ये जिम्मे कप्स हैं, ये जब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है अंडर द फेवरेबल कंडीशन तो उसमें ये जिम्मे कप्स स्टार्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और जबकि इसका वेंट्रल व्यू सबको पता होगा, डॉर्सल एंड वेंट्रल आई थिंक सब इसके बारे में अवेयर होंगे, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो डॉर्सल और वेंट्रल आपका हाथ हथेली है, हथेली जहाँ पे रेखाएं दिखाई देती हैं दैट इज योर वेंट्रल पार्ट, और हाथ का ऊपरी हिस्सा जहाँ पे कि आपके नेल्स वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द डॉर्सल। तो इसी तरीके से इसका वेंट्रल पार्ट का ये सेकंड वाला फिगर है, और यहाँ पर क्या है, इसमें मिडवेन पाई जाती है, जैसे आप देख रहे हैं ये मिडवेन है, और इस मिडवेन के दोनों तरफ आपके क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। इन्हीं राइजोइड्स के कारण ये थैलस बॉडी अटैच रहती है
टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मार्जिन्स में क्या पाए जाते हैं, तो मार्किंश के मार्जिन्स पे या शिक्षा के मार्जिन्स पे स्केल्स पाए जाते हैं। देखिए राइजॉइड्स और स्केल्स शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये आएगा आपके पेपर में। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए या अपना यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम दीजिए, तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइजॉइड्स एंड स्केल्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, राइजॉइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो राइजॉइड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं स्मूथ वॉल्ड होते हैं और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड। तो स्मूथ वॉल्ड क्या होगा, जिसमें आउटर वॉल और इनर वॉल पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन ट्यूबरकुलेटेड में क्या हो जाता है, बाहर वाली वॉल तो स्मूथ दिखाई देगी आपको, लेकिन अंदर वाली जो इंटरनल वॉल होगी वो कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, यानी कि वो ऐसे दिखेगी जैसे स्पाइरली, ऐसे मतलब कि कुछ जैसे अगर इंटेस्टाइन में होते ना विलायन माइक्रोविलाई टाइप स्ट्रक्चर, तो उस टाइप का दिखाई देगी, तो उसको बोलेंगे हम ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स, ठीक है। और स्मूथ तो आपको एज वेल एज इनर दोनों कैसे होंगे आपके, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राइजॉइड्स पे, शॉर्ट नोट आपका, तो आपको पता चल गया राइजॉइड्स क्या है आपका, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट तो नहीं कहेंगे बट दे परफॉर्म द एक्शन ऑफ रूट इन द ब्रायोफाइट्स मेनली, एंड दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, थ्रू विच द प्लांट बॉडी रिमेन अटैच विद द सबस्ट्रेटम, एंड दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ वॉल राइजॉइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। स्मूथ वॉल राइजॉइड्स इन विच बोथ द आउटर एंड इनर वॉल आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाइल इन द ट्यूबरकुलेटेड द आउटर wall is smooth but the inner wall show invaginations like structures, theek hai, so that's why it is called tuberculated rhizoids, okay. After that you can also add on the rhizoids may be unicellular or multicellular. ye jo rhizoids aapko dikhai de rahi hai ye unicellular type hai, dekhiye yahan pe koi septum nahi dikhai de, agar yahan pe aise aise lines matlab ki ek dusre ko differentiate karengi cells to wo septate ho jayenge, wo ho jayenge multicellular, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट आप अच्छा सा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द बाउंड्री ऑफ द लेक्चर, बाउंड्री ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवर हियर, और उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज, योर क्रेडेंशियल कि आप उसको कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, कम से कम उसको एक हैबिट में आ जाएगा ना कि क्या करना है हमें, ठीक है। दिस इज अनदर फिगर, दिस इज ऑल्सो द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द मार्किंशा, वाई वी हैव शोन इट अगेन, क्योंकि मार्किंशा में जो स्केल्स पाए जाते हैं, स्केल्स पे मैंने बोला शॉर्ट नोट आएगा, डेफिनेटली द शॉर्ट नोट मे बी आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ द मार्किंशा रिगार्डिंग द स्केल्स। तो स्केल्स का क्या काम होता है, स्केल्स का मेन काम होता है ये, एक तो जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं ना, ग्रोइंग पॉइंट्स एपाइसिस, उनको प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रखता है, इसलिए ये डिसेंस या उसको ड्राई अप होने से बचाता है। तो कितने टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं, तो मार्केट वैसे तो रिक्शा में तो एक ही टाइप का स्केल पाया जाता है, लिगुलेट, लिगुलेट में देख रहे हो आप सिंपल सा स्केल है, ठीक है। स्केल तो पता होगा, मछली में निकलते हैं ना स्केल निकालते हैं उनके, ऐसे ही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था अभी पीछे वाली स्लाइड में कि ये इधर मार्जिन्स पे पाए जाएंगे राइजॉइड्स के जस्ट बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये वाले स्केल्स होंगे तो ये लिग्यूलेट होंगे, लिग्यूल क्या होती है, छोटी सी पत्ती नुमा आकार को लिग्यूल बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप के स्केल्स होंगे तो ये लिग्यूलेट स्केल होंगे, और ये पाए जाते हैं रिक्शिया में, ठीक है। लेकिन मार्किंशिया में लिगुलेट भी पाए जाते हैं, इसके अलावा अपेंडिकुलेट भी पाए जाते हैं। अब अपेंडिकुलेट कौन सी नई टर्मिनोलॉजी आ गई भाई, कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। अगर आपका मेन स्ट्रक्चर से कोई अनदर स्ट्रक्चर प्रोट्रूड हो रहा होता है, निकल रहा होता है, तो उसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, जैसे हमारे पेट की आंत होती है ना, अपेंडिक्स हो जाता था ना, हाँ, तो उसी तरीके का, ठीक है। तो ये मेन स्केल है, इस स्केल से अगर एक आउटग्रोथ सी निकल गई जो अपेंडिक्स एज बोल रहे हैं जिसको, ठीक है ना, अपेंडिक्स लाइक अपेंडेज निकल गई, तो इस टाइप के स्केल को बोलेंगे हम अपेंडिकुलेट स्केल, ठीक है। स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए आप तैयार कीजिएगा अपना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थैलस की बात करें, अच्छा रिक्शा और मार्किंशा को लिवर वर्ट क्यों कह रहे हैं, देख रहे हो ना आप इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैटेंट है बिल्कुल, लिवर लाइक, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लिवरवर्ट्स, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इनका जनरल सेक्शन कटिंग देखें, तो इनका जनरल सेक्शन कटिंग में आके एपिडर्मिस पता ही होगा, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे पोर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनके क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई ग्रीन कलर के होते हैं, तो भाई क्लोरोफिल बियरिंग तो होंगे ही होंगे, और अपना खाना स्वयं बनेंगे, ठीक है ना। फिर पैरेन्काइमेटस जोन पाया जाता है, मैक्सिमम जोन इज कवर्ड बाय द पैरेन्काइमा इटसेल्फ, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ देखिए, यहां से लोअर एपिडर्मिस से ही क्या है आपके दिख रहे होंगे आपको ये स्केल जो अभी हमने बात की, और यहीं से आपके क्या है राइजॉइड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि यहां से ये अपेंडिजेस निकली हुई है आपकी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, लिवरवर्ट्स पे शॉर्ट नोट, तीन शॉर्ट नोट आपके यहां तैयार हुए हैं, राइजॉइड्स, लिवरवर्ट्स, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्केल, ठीक है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट
ये एक मॉस का स्ट्रक्चर है, मॉस जो कॉमनली अगर हम ब्रायोफाइट पढ़ते तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर जरूर आता है फिनेरिया का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फिनेरिया है, ये एडवांस ब्रायोफाइट है क्योंकि कौन सी क्लास में आता है, मसाए, ठीक है। तो मसाए में सारी आपकी मॉसेज आती हैं जो थोड़ी एडवांस। अब आप बोलोगे सर ये एडवांस किस टाइप से है, तो देखिए ना बिल्कुल एडवांस है ये, थोड़ा सा ये इसके राइजोइड्स थोड़ा रूट लाइक दिखाई दे रहे होंगे आपको, पर है वो भी राइजोइड्स, ठीक है। फिर ये लीव्स दिखाई दे रही है, पैरिगोनल लीव्स, ये बिल्कुल लीव जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसकी इंडिविजुअल लीव देखें तो कुछ इससे हार्ड शेप की होती है, मिडरिप भी पाया जाता है उसमें, ठीक है। और इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, देख लीजिए आप कैसे हैं राइजोइड्स, मल्टी सेलुलर भी हैं और ब्रांच्ड हैं, इसलिए थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर शो हो रहा है ना मल्टी। देखो आपको पता है अमीबा होता है, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, तो हम उसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म मानते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग है, हमारे में तो सब चीज मल्टीपल मल्टी सेलुलर है, तो हम एडवांस है ना। तो ऐसे यहाँ देखिए एडवांस कैरेक्टर शो हो गया, यहाँ भी एडवांस कैरेक्टर शो हो गया, मिडरिप का होना लीफ में एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इसका ये स्पोरोफाइट है जो ये देख रहे हो, फुट सीटा एंड कैप्सूल, दिस फॉर्म द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड दिस इज द स्पोरोफाइट। और ये किससे अटैच है, ये वाला पोर्शन जो ये है ना आपके राइजोइड्स और लीव्स वाला जो पोर्शन है, दिस इज गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच है ये, तो गैमेटोफाइट से ही न्यूट्रिशन लेता है, तो दैट्स व्हाई हमने बोला था ना पैरासिटिक होता है इसका स्पोरोफाइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास कि एक्सप्लेन हाउ स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट ए शोज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ योर पॉइंट्स। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और क्यों मसाई इज द एडवांस या मॉसेज आर द एडवांस, तो यहाँ पे काफी कैरेक्टर्स आपने देख लिए जिसके कारण से मॉसेज आर द एडवांस, ठीक है, अमंगस्ट द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो ब्रायोफाइट्स के इतने ज़्यादा क्लासिफिकेशंस नहीं है, ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन किया है क्लासिफाई बहुत छोटा छोटा, किसी ने एक क्लास, किसी ने दो क्लास, किसी ने उनको कभी डिवीजन बना दिया तो किसी ने कभी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हम वही यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा रॉथमोलर, इन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन को भी ICN ने थोड़ा किया, लेकिन इन्होंने स्टडी, इनकी स्टडी को इसलिए हम कंसीडर करते हैं या इनकी स्टडी को इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बिकॉज दिस पर्सन took a large number of characters to classify the bryophytes. तो समझ लीजिए उन्होंने कम से कम एटलीस्ट 8 proxies लिया था जिसके कारण उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और आपको मैंने कल ही बताया था taxonomy is not the can be said as is not the part of anyone's study. कोई नहीं ऐसे कर सकता, it requires a lot of time and consistency itself. तो ऐसे कोई नहीं करता। इन्होंने, इन रॉथमोलर ने 1951 में क्लासिफाइड किया था bryophyte को 3 major classes में, and his classification was based on the following criteria. इतने criteria उन्होंने लिए थे इस कारण इनके क्लासिफिकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहला उन्होंने कंसीडर किया स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, यानी कि जितने भी उन्होंने ब्रायोफाइट स्टडी किए होंगे उनके सबके थैलस देखे पहले उन्होंने, ठीक है। फिर थैलस देखने के बाद, थैलस तो उन्होंने ऐसे मॉर्फोलॉजिकली देख लिया होगा लेकिन उससे उनकी बात नहीं बनी, ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द एनाटॉमी। तो उन्होंने उसकी फिर क्या देखना शुरू किया, एनाटॉमिकल स्टडी की उन्होंने, तो सोचिए एनाटॉमी करने में कितना टाइम लगा होगा। देन ही टुक द अनदर क्राइटेरिया, दैट इज अ टाइप ऑफ राइजर जो अभी हमने डिस्कस किया, वो भी इन्होंने देखे। फिर इनके और क्यूरियोसिटी बढ़ी, इन्होंने फिर क्या देखा, टाइप्स ऑफ स्केल्स भी पढ़ लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे इतने क्राइटेरिया हैं। इसके बाद इन्होंने और अच्छे से स्टडी की, फिर इन्होंने देखा कि भाई अब जब मैं इतना स्टडी कर ही रहा हूँ तो वाई शुडेंट आई गो फॉर फर्दर मोर स्टडीज रिगार्डिंग द मीन्स एग्जैक्ट पोजिशंस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। और आपको मैंने पहले ही बताया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तब तक पूरा नहीं है जब तक व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज नॉट कैपेबल to reproduce the next generation. क्योंकि मेन यही माना जाता है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो वहाँ भी पढ़ा होगा कि वही सस्टेन कर पाते हैं जो कि अडेप्टेशन जो है कि जो चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज है, स्टेन का पोजिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ने क्राइटेरिया रखा, इसके बाद इनका क्राइटेरिया जो था वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्यूरियोसिटी रही ना इनको, तो इन्होंने फिर नेक्स्ट जो क्राइटेरिया देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कुछ स्पोरोफाइट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर इन्होंने देखा स्ट्रक्चर तो देखा ही देखा स्पोरोफाइट का, और क्यूरियोसिटी बढ़ी तो इन्होंने क्या देखना शुरू किया, नेचर ऑफ स्पोरोफाइट कि भाई कैसा नेचर है, पैरासिटिक है या इंडिपेंडेंट है, क्या है, ये भी इन्होंने देखा। तो ये मत समझिए कि तीन ये जरा से पॉइंट है, जरा से पॉइंट नहीं है, इसको करने में एक एक पॉइंट को करने में 5-5 से 10-10 साल भी लग गए होंगे उनके,
आप पता नहीं कब उन्होंने स्टडी शुरू की होगी, कब ये क्लासिफिकेशन आया होगा। तो ये मत सोचिए कि 1951 में क्लासिफिकेशन आया तो एक साल की स्टडी नहीं है ये, कम से कम उनके 5 से 10 साल की स्टडी है जो उसने कि उनको वर्थ इतना किया कि इनके क्लासिफिकेशन को अब हम अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं। फिर आ जाइए डिग्री ऑफ स्टेलाइजेशन भी देखा इन्होंने, इन्होंने देखा कि स्पोरोफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ स्टेलाइजेशन इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब इन्होंने स्पोरोफाइट में देखा कि सारी सेल स्पोरोफाइट की स्पोर जनरेट करती हैं या कुछ सेल नहीं करती, क्या कहीं पे स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन का मीनिंग तो सबको पता होगा कि दैट इज कि जो प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल नहीं है, जो सेल का काम कुछ और है वो कोई स्पोर्ट्स नहीं बनाएंगी, तो वो कितना डिग्री है वो भी इन्होंने देखा। तो 8 क्राइटेरिया इनके इतने इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे, दैट्स व्हाई इनके वर्क को ICN दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको पहले ICBN बोलते थे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, लेकिन आप इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। इनको ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन को इनके जो ये क्राइटेरिया था उसके बेसिस पे थोड़ा मॉडिफाई करके आपका जो क्लासिफिकेशन आया वो कुछ इस तरीके से आया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, 3 क्लासेस हैं ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन की, पहली है आपकी हेपेटिसी, ठीक है, दूसरी है एंथोसिरोटी और तीसरी है मसाई, ठीक है। हेपेटिसी में आपके लिवरवर्ट्स आते हैं, यानी कि आपके बेसिक ब्रायोफाइट्स आते हैं, ठीक है ना, जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कैसा होता है, लिवर लाइक होता है, फ्लैटेंड बिल्कुल। एंथोसिरोटी, एंथोस का मतलब होता है हॉर्न्स, लैटिन वर्ड है एंथोस, हॉर्न्स, तो यानी कि हॉर्न्स अब सिंग तो नहीं निकलेंगे इनके भाई, है ना, तो सिंग लाइक प्रोजेक्शंस इनके थैलस से निकल जाते हैं, जो कि आप यहां देख रहे हो, ये देख रहे हो सिंग लाइक जैसे हॉर्न्स निकले हुए हों थैलस से। तो इस टाइप की अगर मॉर्फोलॉजी है जिन ब्रायोफाइट्स की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बर्ड्स बोलते हैं, और इनका साइंटिफिक नेम होता है एंथोसिरोटी क्लास को ये डेजिग्नेट करते हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपका मसाई या इसे ब्रायोप्सिडा अगर हम बात करें इसको बोलते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मसाई या मॉसेस जो हैं वो आपके सबसे ज्यादा हाईली इवॉल्व ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हो ना फिनेरिया, तो दीज आर ये मॉसेस, ये फिनेरिया स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको मैंने बताया था राइजोइड जैसा आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रूट जैसे राइजोइड दिखाई दे रहे हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां लीव जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, पैरिगोनल लीव दिखाई दे रहे हैं में मिडवेन भी आ गई है, और फूड सीटा एंड कैप्सूल उनके स्पोरोफाइट में प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई दे आर द एडवांस ग्रुप ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अच्छा आप कैरेक्टर्स की बात कर लें तो हम हेपेटिसी के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इनका थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है, मैं अब नहीं बताऊंगा डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है, ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। पायरोनाइड्स यहां एब्सेंट होते हैं, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा नहीं होगा इनके पास, क्योंकि पायरोनाइड्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजर्व फूड मटेरियल। देन आफ्टर वो राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हैं यूनिसेलुलर हो गए, स्केल्स आर, मैंने दिखाया भी था अभी आपको पीछे स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, वहां सेप्टा नहीं था राइजोइड्स में, स्केल्स आर प्रेजेंट, मैंने बताया था स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों टाइप के होते हैं, क्योंकि रिक्शा में कैसा होता है आपका विस टाइप ऑफ स्केल, नॉर्मल टाइप ऑफ स्केल, लेकिन मार्केंशिया में कैसा होता है, नॉर्मल भी पाया जाता है और अपेंडिकुलेट भी पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया ना, और लिगुलेट यानी कि नॉर्मल टाइप का और अपेंडिकुलेट इज द एडवांस टाइप ऑफ फॉर्म, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कैप्सूल, कैप्सूल वही होता है आपका जस्ट फूड फूड सीटा एंड कैप्सूल, ये वाला पार्ट बल्बस रीजन, ठीक है। तो यहाँ के जो अगर हम बात करें नॉर्मल इनके लिवरवर्ट्स में, तो कैप्सूल में कॉलियोमिला नहीं पाया जाता, अभी कॉलियोमिला मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, कॉलियोमिला पे शॉर्ट नोट आएगा आपके एग्जाम में और कॉलियोमिला पे क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है, मतलब यहाँ के नहीं कहीं के भी, बट आएगा अगर ब्रायोफाइट स्टडी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कॉलियोमिला क्या होता है, जब हम इसकी स्टडी करेंगे ना ये कैप्सूल की, तो वहां पे जो स्टेराइल रीजन होता है जिसके दोनों तरफ आपका स्पोरोजिनस मदर सेल्स पाई जाएंगी, दैट पर्टिकुलर रीजन जिससे स्पोरोजिनस मदर सेल्स अटैच होती हैं, दैट रीजन इज नोन एज कॉलियोमिला, ओके। अच्छा हम ऑर्डर्स फिर फर्दर इस क्लास को ऑर्डर्स में डिवाइड किया है 4, कैलोब्राइल्स है आपका, जंगर मैनुएल्स है, मार्केंशियल्स है, स्पेनोकार्पियल्स है, तो ये इसके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाइए एंथोसिरोस या हॉर्नवर्ड्स की बात अगर हम करें, कैरेक्टर्स की बात करें तो थैलस डॉर्सी वेंट्रल एंड इंटरनली होमोजीनियस होता है इनका, इनका भी डॉर्सी वेंट्रल ही होगा, डॉर्सल और वेंट्रल, बस यहाँ पे है स्ट्रक्चर वैसा ही ऑलमोस्ट लिवरवर्ट्स जैसा, लेकिन यहाँ पे कुदरती तौर पे इनको सिंग मिल गए, तो दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जा रहा है, हॉर्नवर्ड्स बोला जा रहा है, ठीक है। राइजोइड्स आर ओनली स्मूथ वॉल्ड, यहाँ पे भी कैसे राइजोइड्स मिलते हैं, स्मूथ वॉल्ड वाले मिलेंगे, ट्यूब्रिकुलेटेड नहीं मिलते, जबकि यहाँ पे यूनिसेलर तो है लेकिन यहाँ पे स्मूथ वॉल्ड और ट्यूब्रिकुलेटेड दोनों मिलते हैं, ठीक है। फिर स्केल्स आर एबसेंट, यहाँ पे स्केल्स एबसेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, स्केल्स एबसेंट है हॉर्नवर्ड्स में, ठीक है। और बट म्यूसिलेज कैविटीज आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे स्लेज कैविटीज होती हैं स्किल्स की जगह, वो काम करती हैं वाटर वगैरह को रिटेंशन प्रोवाइड करने का, जिससे सूखे ना ब्रायोफाइट। अच्छा क्लोरोप्लास्ट आर विद पायरोनाइड, अब यहाँ पायरोनाइड्स प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए इनके पास फूड मटेरियल भी होगा, यानी कि एडवर्स कंडीशन में कुछ ना कुछ अपना खाना वाना
स्टॉक रख सकते हैं। कैप्सूल हैज सेंट्रल स्टेराइड, यहाँ पे कॉलुमेला स्टार्ट हो जाता है, देखना इनके कैप्सूल में कॉलुमेला होता है, ठीक है। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम भी पाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही ऑर्डर है, एंथोसिरोटिल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए मसाई और ब्रायोप्सिडा मॉसेस, इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं। गैमेटोफाइट हैज टू स्टेजेस, प्रोटोनिमा एंड लीफ लीफी गैमेटोफोर। मैंने अभी आपको ये लीफी गैमेटोफोर है, और प्रोटोनिमल स्टेज क्या होती है, जब स्पोर डेवलप करते हैं ना, अभी बताएंगे आपको, प्रोटोनिमा पे भी शॉर्ट नोट आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी आप नोन कीजिए, भी आगे डिस्कस करना है प्रोटोनिमा का, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो उसमें आएगा। राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर, यहाँ राइजोइड्स के मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि सेप्टा इज प्रेजेंट, ओके। वॉल ऑफ द कैप्सूल इज मल्टी लेयर्ड, हेलो 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 हाँ मैम, वॉइस आ रही है? क्लियर है ना? अभी कुछ इंटरप्शन शो किया है इसने ना, नेटवर्क इशू कुछ शो किया है। प्रॉपर चल रहा है? मैं करूँ? प्रॉपर चल रहा है सर, मैं करूँ ना? हाँ ठीक है, मैं प्रोसीड करता हूँ। तो राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर, मैंने बता दिया, यहाँ राइजोइड्स मल्टी सेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेसाई का, और इसमें यानी कि मल्टी सेलुलर मीन्स क्या है, सेप्टम इज प्रेजेंट, ओके। सो वॉल ऑफ द कैप्सूल is multilayered and with stomata, यहाँ पे जो कैप्सूल की वॉल होती है वो मल्टीलेयर्ड होती है और स्टोमेटा पाए जाते हैं उसमें, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैप्सूल है सेंट्रल कॉलम, और यहाँ का कॉलुमेला सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कॉलुमेला पाया जाता है, वो इसी में पाया जाता है मसाई में, ठीक है। और यहाँ पे इलाटस एब्सेंट होता है, अच्छा हाँ एक इलाटस पे भी शॉर्ट नोट आएगा, ये सब मैं डिस्कस करूंगा पीछे। इलाटस पाए जाते हैं आपके इसमें हेपेटिस में, अभी ये इलाटस कौन सी क्या है, आपदा या बला है, ये तो हम आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे। ऑर्डर अब है, इसके ऑर्डर्स हैं तीन आपका, तो स्टैग्नेल्स है इसमें, एंड्रेल्स हैं, एंड ब्राइल्स के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अच्छा मैम एक चीज बोलना थी, बच्चे बार बार इसको मतलब अभी ज्वाइन नहीं हुए क्या, पूरे स्क्रीन फिर प्रॉब्लम कर रहा है ना, क्रैश नहीं हो रहा है प्रॉपर मेरे को, तो इनको थोड़ा या तो सारे हो गए हैं अभी 186 ही हुए हैं ना सर, इतने ही रहते हैं ये बच्चे, ये बार बार अटेंड, ये कुछ हो रहा है ना, पीपल एंटरिंग और समथिंग, तो वो स्क्रीन फिर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये सारे या तो हो जाएं 190 के अप्रॉक्स हैं शायद, तो सारे हो जाएं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर प्रोसीड ही करता हूँ। अच्छा अब रिप्रोडक्शन की बात करें हम ब्रायोफाइट्स की, तो जो रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स में ये मेनली होता है आपका वेजिटेटिव मीडियम एंड सेक्सुअल मोड। अच्छा रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में भी ब्रायोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अभी बताएंगे क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो इसमें बेसिकली आप एसेक्सुअल ना करते हुए इसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव फॉर्म में, तो वेजिटेटिव इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वेजिटेटिव क्यों कह रहे हैं वो अभी बताएंगे, और दूसरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो प्रोसीड ऑन फर्दर। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो ब्रायोफाइट शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ रीजनरेशन, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं वेजिटेटिव, इसको सेक्शन ना कहकर वेजिटेटिव, क्योंकि इनके पास रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन सबको पता होगा ना क्या होता है रीजनरेशन, अगर आपने वो देखी होंगी क्या छिपकलियाँ, छिपकलियाँ क्या करती है अपनी पूछ शट डाउन कर देती हैं और फिर उनके कुछ दिनों बाद पूछ आ जाती है, तो वही पावर होती है रीजनरेशन की। तो ब्रायोफाइट्स भी ऐसे ही करते हैं, ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द फॉलोइंग मेथड। अब इनमें कुछ मेथड्स हैं वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होने के, और इसमें से मैं बता दूं कुछ बहुत कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट नोट के लिए तो आएंगे ही आएंगे, लॉन्ग में आ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए तो बहुत कीनली आप इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और पढ़िए। तो पहला है आपका बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस, सेकेंड मेथड है बाय एडवेंटिशियस ब्रांच। देखिए कोई एग्जामिनर अगर बहुत अच्छा हुआ तो वो सिर्फ आपसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही अच्छे से लॉन्ग में एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा क्वेश्चन, अदरवाइज कोई बड़े अच्छे अच्छे एग्जामिनर और थोड़ा सा डीप जाने की तो वो यहाँ से कोई एक पार्ट उठाकर आपको शॉर्ट नोट के लिए दे देंगे। तो बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय परसिस्टेंट एपाइसिस, बाय ट्यूबर, बाय जिमे, बाय बल्बिस एंड बाय प्रोटोनिमा। अब इनमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जिमे एंड द प्रोटोनिमा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदर भी रेस्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैथड है इनके कैसे, वेजिटेटिव बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। अच्छा अब ये देख लीजिए, यहाँ एक पिक्चर है, ये देखिए ये थैलस है, पिक्चर है मार्केंशिया का, ये देखिए यहाँ से टूटा ये और जितनी जगह से टूटा उतने नए ये थैलस का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपका कैसे हुआ, ये तो रिजनरेशन की पार है ना इसके पास काफी अच्छी, ठीक है। ऐसे कुछ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम आलू लाते हैं,
आलू को घर में रखते हैं, और अगर आलू में मॉइस्चर कंटेंट भर जाता है तो उसमें भी क्या निकलने जाते हैं, ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उसको वो भी अगर हम हटाकर कहीं ग्रो तो वो ग्रो कर जाएगा, तो ऐसे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स में भी ग्रो हो जाते हैं एपिसेस में मेनली, ठीक है। इसके बाद जिमेकप्स मैंने आपको बताया ये मार्केंशिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मार्केंशिया में जब फेवरेबल कंडीशन में इसके डॉर्सल सर्फेस में कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, इसको अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होती है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस मतलब कि बॉडी में कहीं से भी कुछ प्रोट्रूडेंस निकल जाए और वो कट जाए, जैसे बर्डिंग वगैरह होती है और कट के नया ग्रो कर जाए। अब प्रोटोनिमा क्या है, प्रोटोनिमा को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी ऑल्टरनेशन और जनरेशन के दौरान। तो प्रोटोनिमल स्टेज जुविनाइल स्टेज होती है, जैसे आप इतने भी भाई अभी एमएससी में आ गए हो तो एमएससी में एकदम से तो नहीं आए होंगे ना, स्टार्टिंग में जब पैदा होंगे तो एक इन्फेंट स्टेज होती है ना आपकी, इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट पता होगा इन्फेंट स्टेज कब होती है, जब तक कि क्या नहीं करते हो आप, स्कूल जाने लायक नहीं होते तो आप इन्फेंट ही कहलाते हो, वैसे तो 0 to 1 ईयर को ही इन्फेंट माना जाता है, पर जब तक स्कूल नहीं जाते तो ऐसे ही प्लांट जब तक एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई राइजोइड्स कहाँ हो गए इसके, और इसके भाई और स्ट्रक्चर कहाँ हो गए स्टैम्स, और इसकी लीव्स कहाँ चली गई, या पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं जुविनाइल प्रोटोनिमल स्टेज, ठीक है। तो अभी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट ये देखिए, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जीमेक आपका स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। इसका हमने एक आपको वर्टिकल सेक्शन दिखाया है, तो जिमे कप इस टाइप से होते हैं। अब इन्हें जिमे कप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए से जिमे कप बोल रहे हैं। इसके अंदर ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिमे, ठीक है। और जिमे कैसे हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं, ये जहां भी कट के गिरेंगे वहां पे नया इंडिविजुअल या नया थैलस ग्रो कर जाएगा। तो ये इसको प्लीज आप अच्छे से कर लेना तैयार अपना जिमे कप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर जिमे की बात करें तो जिमे कुछ देखने में इस टाइप का होता है, इसमें एक स्टॉक होता है, यहाँ पे दो नॉचेस होती है, इसमें ऑयल सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल सेल्स होते हैं। ऑयल सेल्स क्यों होते हैं, रिजर्व करने के, रिजर्व मटीरियल है इसका ऑयल सेल्स। तो जब ये गिरेंगे तो एकदम से तो ग्रो करेंगे नहीं ना, फेवरेबल कंडीशन जब आएंगे वैसे ग्रो करेंगे, तब तक न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड ये ऑयल सेल्स इनको करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिमे कप्स आप अपना प्रिपेयर कीजिएगा। आपने ये बस ये डायग्राम ही अगर आप बनाकर आ जाओगे ना पेपर में, और बस इतना लिख दोगे कि किसमें पाए जाते हैं, तो आपको अगर 5 नंबर का आएगा तो एग्जामिनर इटसेल्फ 3 या 3.5 नंबर तो दे ही देगा, बट ये चीजें सही होनी चाहिए, डायग्राम अच्छा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए आप, ये है प्रोटोनिमा की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटोनिमल स्टेज कब आती है, जब आपके स्पोरेंजिया के अंदर या जो आपका कैप्सुलर रीजन है स्पोरोफाइट का, वहां जब स्पोर्स बनते हैं आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, तो जब वो लिबरेट होते हैं, तो जब वो स्पोर ग्राउंड में गिरता है, अब ग्राउंड में गिरने के बाद क्या होगा, उसका एक्सोस्पोरियम रप्चर होगा या एक्सोस्पोरियम थोड़ा सा ड्यूसिड होकर खत्म हो जाएगा, तो जो उसका अंदर से जो जो भी एक्टिविटी होगी न्यूक्लियर एक्टिविटी, तो एक जर्म ट्यूब वगैरह आपको पता होगा, पॉलन जर्मिनेशन पता होगा, तो पॉलन जैसे जर्मिनेट वैसे जर्मिनेट, अब ये देखिए जर्मिनेट कर रहा है, इससे निकल रही है स्ट्रक्चर, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि इसमें राइजोइड क्या बनेगा जी, और इसकी लीव्स कहाँ जाएंगी, और इसका स्टैम क्या होगा, ये क्या क्या बनेगा। तो ये जो स्टेज है ये फर्स्ट प्रोटोनिमल स्टेज है, अभी यहाँ पे भी ये प्रोटोनिमल स्टेज ही है, क्योंकि अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं ले पाया है, ब्रांचेस वगैरह हो गई लेकिन लीव्स का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब आप देख लीजिए, ये आपकी एग्जैक्ट एक प्रोटोनिमल स्टेज आ गई, जो क्लियर प्रोटोनिमल स्टेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे लीव भी दिखाई दे रही है थोड़ा, पर अभी भी इतनी क्लियर नहीं है, बट यहाँ ये कह सकते हैं कि ये थॉरली जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोटोनिमल स्टेज है वो ये है, और जबकि ये इसके सबसे, ठीक है। तो प्रोटोनिमा में आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, प्रोटोनिमल स्टेज क्या है, ज्यूवेनाइल स्टेज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एडवांस ओगैमस टाइप। ओगैमस मैंने आपको कल भी बताया था, आपको पता होगा ओगैमस में क्या होता है कि मतलब सिर्फ कौन माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करेगा आपका मेल गैमेट सेल, फीमेल नहीं करेगी, फीमेल स्टैग्नेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा द मेल द मोटाइल मेल गैमेट्स एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंथ्रीडिया, जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, और फीमेल को बोलेंगे आर्चिगोनिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब कि मेल वाला को एंथ्रीडिया और जहाँ फीमेल गैमेट सेल बनेंगे उसको आर्चिगोनिया बोलते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, अभी इसके स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जा सकता है, स्पॉटिंग वगैरह किसी भी चीज़ के लिए। तो इन ब्रायोफाइट द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलर, बार बार बात बोल रहे हैं कि इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टेराइल जैकेट लेयर होते हैं उनके बाहर, ये बार बार ये पॉइंट आ रहा है, इसको तो आप कहीं कोट डाउन कर ही लीजिए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए इथिक्सिया का थैलस है, एंड हियर यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज योर
आर्चिगोनिया, ओके, एंड द ट्यूब थ्रू विच इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेट टू द मेन थैलस बॉडी दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियोफोर. कई बार एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं तो वो यही पूछ लेंगे आपसे आर्चिगोनियोफोर क्या होता है. तो आपको पता होना चाहिए आर्चिगोनियोफोर क्या है. आपका आर्चिगोनियम का वो स्टॉक जिससे कि आर्चिगोनियम किससे अटैच होता है, मेन थैलस से अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियोफोर. ठीक है, ये कई कई वाइवा में भी पूछ लेते हैं एग्जामिन कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है ना. अच्छा, अब ये दूसरा थैलस है, ये है मेल थैलस. तो मेल थैलस में क्या निकलता है आपका, एंथ्रीडियम बनता है. मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स वहीं से बनेंगी आपकी. तो हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये जिस स्टॉक के थ्रू अटैच है सब मींस मेन प्लांट बॉडी से, उसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर. फोर का मतलब ही होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को इस अटैच करने वाला. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुदरत जो है, भगवान ईश्वर जो है वो बहुत ही सोच समझ के हर चीज़ का निर्माण करते हैं. तो जैसे मेल होते हैं ना ह्यूमन बींग्स में भी, मतलब फीमेल्स को हम थोड़ा ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेटेड अच्छा मानते हैं. देखिए ये भी कितना ब्यूटीफुल है ना, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना आपको, और ये देखिए कितना बेकार सा है. ठीक है ना, मेल वाला पार्ट. तो कभी कभी आपको अगर स्पॉटिंग के लिए रखा जाए और आप आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि भाई आर्चिगोनियम क्या है और एंथ्रीडियम क्या है, या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो थोड़ा गंदा सा होगा, जो थोड़ा मतलब नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर लाइक अम्ब्रेला, ये तो बहुत ब्यूटीफुल सा है फ्लावर लाइक, तो ये वाला आपका हो जाएगा दिस इज व्हाट द मेल. ठीक है, एंड ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट विल बी द फीमेल. तो कई बार ये आपके उसमें भी रखा जाएगा मीन्स लाइक स्पॉटिंग के दौरान. ठीक है, तो वहाँ तो छुपा देते हैं ना स्पॉटिंग में, कवर कर देते हैं उस चीज़ को, तो कैसे पता चलेगा फिर. देन कम टू द नेक्स्ट, ये देखिए अब हम इनके ऊपर टिप वाले पार्ट को दिखा रहे हैं, यानी कि आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम. अब देखिए एंथ्रीडिया तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, मैंने बोला ना मेल के यूनिट्स तो बहुत ज़्यादा ही बनते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ह्यूमन बींग्स में बात कर लीजिए, किसी भी एनिमल में बात कर लीजिए, किसी भी प्लांट में. तो इसलिए इनको कोई डर नहीं है. तो इसे कुदरत ने इनको किधर की तरफ को रखा हुआ है, बाहर की तरफ को रखा हुआ है. इनका इनका जो इवोल्यूशन या जो इनका जो भी इनका डेवलपमेंट है वो बाहर की तरफ है, एनवायरमेंट की तरफ, क्योंकि एयर भी चाहिए ना, फिर गिरना है इनको आराम से, गिर जाएं अब ज़्यादा हैं तो एक ने एक तो पहुंच ही जाएगा. और फीमेल को भगवान हमेशा प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करता है. तो देखिए फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनके वेंट्रल सर्फेस पे होते हैं, वेंट्रल साइड में जो इनके लीफी स्ट्रक्चर वेंट्रल साइड में जो है ना इनकी प्रोट्रूडेंस, ये जो ये स्ट्रक्चर हैं इनके नीचे की तरफ होता है. तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब कि ये शट डाउन नहीं होंगी आराम से. और जबकि ये तो आराम से शट डाउन होने के लिए खूब सारे निकलेंगे और बस यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा कोई ना कोई. पानी मैंने बोला वाटर इज वन ऑफ द ग्रेट मीडियम फॉर दियर कॉपियस फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. ये सब जब शॉर्ट नोट आएगा ना आपके पास आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, तो ये सब मैंशन भी कर सकते हो आप लोग. ठीक है, अच्छा देन कम टू द नेक्स्ट, और थोड़ा सा हम इसका लैबोरेटिव व्यू देखें. अगर हम इनका टेक्स्ट फिगर में बात करें तो एंथ्रीडियम देखने में कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर ये सेल्स हैं, ये आपकी एंथ्रीडियम स्पोर मदर सेल्स हैं, यानी कि इन्हीं में रिडक्शन डिवीजन होकर क्या बनेंगे, आपके स्पर्म बनेंगे. अगर मैंने बोला स्पर्म नहीं बोलना है इस कंटेक्स्ट में ब्रायोफाइट्स के, स्पर्म की जगह हम क्या यूज करेंगे, एंथ्रोजोइट्स. ठीक है, एंथ्रोजोइट्स. तो ये इनका एक लिटरल सेक्शन कटा हुआ है और ये दिख रहा है आपको कि ऊपर की तरफ ऐसे अटैच है. फिर ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट इज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, मैंने बोला बहुत ज्यादा. इसके बाहर भी देखो स्टेराइल जैकेट लेयर है, देख रहे हो आप स्टेराइल जैकेट लेयर की जो बात हो रही है, ऐसा आपने एल्गी में नहीं देखा होगा लेकिन इसमें है. ठीक है, ऐसी फीमेल के बाहर भी स्टेराइल जैकेट लेयर है, ये देखिए. ठीक है, लेकिन फीमेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट आएगा वीसीसी एनसीसी, वो मैंने दिया हुआ भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार कि वीसीसी और एनसीसी की फुल फॉर्म बताओ. तुम बोलोगे एनसीसी की नेशनल कैडेट कॉर्प मत कर करा जाना, एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेक कैनाल सेल. तो ये कहां पाई जाती है, फीमेल में. ये जो आपको ये नीचे तो आपका एग, अभी इसका स्ट्रक्चर और अच्छा सा लैबोरेटरी स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम आपको, उसमें बताते हैं. तो ये समझ में आ गया कि यहां पे स्पर्म ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइट्स. और एंथ्रोजोइट्स क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड ब्रायोफाइटा. ठीक है, और फीमेल को तो एग ही बोलेंगे जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट है. देन कम टू द नेक्स्ट, ये देखिए अभी यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो ये स्टेराइल जैकेट लेयर है, या आपका एंथ्रीडियम मदर सेल्स है, स्पोर मदर सेल्स है, इसी से आपका क्या बनेगा ये. अच्छा, यहाँ पे ना एंथ्रोजोइट के ऊपर शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ, तो क्या एंथ्रोजोइट होते हैं, देखिए दो फ्लैजेला निकले हुए हैं इसमें और सिकल सेल्ड होते हैं.
ठीक है, सिकल सेल, सिकल का मतलब दराती, देखी होगी घर में सबकी दराती होगी ना, देखा होगा, सबके तो नहीं होगी बट आपने देखा होगा, फैमिलियर होंगे, तो ये दराती की शेप होती है इसकी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिकल शेप्ड एंथ्रोजोइट। और दो इसके क्या है, फ्लैचुला मोटाइल, क्योंकि मोटेलिटी पानी में गिरेगा तो मोटाइल होकर कैसे फीमेल तक पहुंचेगा, तो भाई उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होना चाहिए, ठीक है। और ये आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैं आपको बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर कवर स्लिप होती है, कवर सेल्स होती हैं, और यहाँ ऑस्टियोल होता है, ऑस्टियोल के थ्रू ही ये जब फीमेल तक पहुंचता है तो इसके अंदर चला जाता है ये। इसमें एकदम एग एग को तो प्रोटेक्शन दे रखी है भगवान ने, तो उसको पहले प्रोटेक्ट कर रही है कुछ सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं नेक लाइक रीजन में है ना, तो इनको बोलते हैं नेक कैनाल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सेल है नेक कैनाल सेल, ठीक है। और ये कितनी होती है, 4 से 6 होती है ब्रायोफाइट्स में इनका नंबर, ठीक है। ये भी एग्जामिनर वाइवा ने पूछ रहे थे कि नेक कैनाल सेल कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, नेक कैनाल सेल कहाँ पाई जाती है, आर्चिगोनिया में पाई जाती है ब्रायोफाइट्स के, और इनका नंबर यूजुअली कितना रहता है, 4 से 6 रहता है इनका नंबर, नोट डाउन कर लीजिए कहीं, ठीक है। और ये स्टराइल जैकेट लिया रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक वेंट्रल कैनाल, देखो फिर भी भगवान ने इतना कुदरती तौर पर इसको प्रोटेक्शन, एक वेंट्रल कैनाल सेल भी दे दी है, ठीक है। और उसके अंदर सबसे अंदर आपका एग कितना अंदर प्रोटेक्टेड है ना। अब क्या होता है कि जो आपके एंथ्रोजोइट्स हैं, ये जो आपकी कवर सेल्स हैं, तो एंथ्रोजोइट कैसे इस तक पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो होता है, केमिकल सिक्रीट करती हैं ये सेल्स जो आपकी है ना, ये नेक कैनाल सेल और कवर सेल केमिकल, और उस केमिकल को कोई रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये एंथ्रोजोइट, तो ये फिर अपना मूवमेंट किसकी तरफ शो कर देता है, इस आर्चिगोनियम के अंदर जाता है, और तब ये फ्यूज करता है एग से, ठीक है। तब होता है स्टार्ट स्पोरोफाइट का बनना, तब फ्यूजन हो जाएगा ना, तब स्पोरोफाइट स्टेज का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिप्लॉइड, और गैमेटोफाइट का क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, अभी तक ये हैप्लॉइड है यहाँ तक, लेकिन जब ये इससे फ्यूज कर जाएगा तो स्पोरोफाइट की फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से अच्छा तो ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए, कभी एग्जामिनर सिर्फ एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम में आपको स्ट्रक्चर, तो आप ये भी बनाकर आ जाओगे ना, और थोड़ा बहुत लिख कर भी आ जाओगे, तो आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे, तो इसलिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप अपने, ठीक है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट, यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं, एंथ्रोजोइट्स फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अगर एग्जामिनर ऐसी वाइवा में पूछे, कहीं भी पूछे कि भाई ये बताओ फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन ब्रायोफाइट में क्या होती है, तो जहां जायगोट जहां बन गया, इनकी 2n नंबर जहां हो गया वहीं से उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, जायगोट अंडरगोज अ नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजंस टू फॉर्म, मैंने बोला ना यहां पे से क्या शुरू हो जाएगा आपका एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो में कुछ और तो नहीं होता ना, वही जायगोट में डिवीजन एंड रीडिवीजन होता चला जाता है सेल्स एंड टिश्यूज का, तो वो क्या बन जाता है, फिर वो एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, ठीक है। जायगोट तो सिंगल सेल है, सिंगल डिप्लॉइड सेल, ठीक है। अच्छा, फर्दर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन एम्ब्रियो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट, और इसके बाद ही वो फूड सीटा एंड कैप्सूल बनकर फिर स्पोरोफाइट बनेगा बढ़िया सा, ठीक है। स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट और सेमी पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट, मतलब मैंने बताया हर किसी के कंटेक्स्ट में नहीं, मेनली मॉसेस, क्योंकि मॉसेस का भी आप स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पर आपके क्लोरोफिल बियरिंग सेल्स भी पाई जाती है, तो खुद भी अपना थोड़ा बहुत खाना बना लेती है, लेकिन मेनली वो खाना कहाँ से निकालेंगी, अपना गैमेटोफाइट से, तो इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, मॉसेस वाले कंटेक्स्ट में स्पोरोफाइट को हम पार्शली बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस क्या करेगा, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस अपने कैप्सूल रीजन में हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या बनाएंगे आपके डिप्लॉइड मदर सेल से बनेंगे, वो डिप्लॉइड में जब मियोसिस होगा तभी बनेंगे स्पोर्स, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के बाद। तो क्या हो जाएगा फिर, जब स्पोर्स बन जाएंगे डिप्लॉइड से, फिर हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और फिर जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। ऑल द ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे ब्रायोफाइट्स में स्पोर्स एक जैसे ही बनते हैं, होमोस्पोरस। हेटरोस्पोरी कहां से स्टार्ट होती है आपकी, अर्ली लैंड प्लांट्स, और कौन से हम आपके मेनली जो जिनको हम वैस्कुलर लैंड प्लांट दैट इज टेरिडोफाइट, ठीक है, तो वहां पे हेटरोस्पोरी शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो होमोस्पोरस बनेंगे, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो इज एक्सोस्कोपिक, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो क्या होता है, मतलब कि एपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टिप ऑफ द आर्चिगोन, आर्चिगोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा एम्ब्रियो, तो यानी कि एम्ब्रियो की जो टिप होगी वो एपेक्स ऑफ द एम्ब्रियो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टिप ऑफ द आर्चिगोन, तो आर्चिगोन से बाहर निकलने की कोशिश वाला इस टाइप का जो एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्कोपिक, बाहर की तरफ भागने की कोशिश। ब्रायोफाइट शो डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अब आप समझ गए डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, द विशियस कमिंग ऑफ गैमेटोफिटिक
then sporophytic pair, gametophytic and sporophytic generation in the life history of the bryophyte, that is called the distinct alternation of generation. Distinct is why? Because you can easily identify that gametophytic stage kaun si aur sporophytic stage kaun si hai. So this diagram you can see here. तो ये फिनेरिया का ही है. अब ए इसका है गैमेटोफाइट. अब इस गैमेटोफाइट में क्या है, मेल गैमेटोफाइट भी है और फीमेल गैमेटोफाइट भी है. अब मेल गैमेटोफाइट तो क्या प्रोड्यूस करेगा अपने एंथ्रीडियन से, स्पर्म यानी कि वही एंथ्रोजोइट्स. और फीमेल में क्या रहेगा आपका, एग रहेगा. अब ये जब दोनों फ्यूज करेंगे तो मैंने बोला क्या बनेगा, जायगोट. यहां से स्टार्ट हो गई आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन. फिर ये बनाएगा आपका स्पोरोफाइट फूड सीटा एंड कैप्सूल. अब इस कैप्सुलर रीजन में क्या होगा आपका, रिडक्शन डिवीजन होगा. रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे. अब ये स्पोर्स जब लिबरेट होंगे आपके लिबरेट होंगे फिर ये डेवलप करेंगे. कहाँ पे जर्मिनेट करेंगे, जब लैंड वगैरह में करेंगे तो जर्मिनेट करेंगे. आप जर्मिनेट करके प्रोटोनेमल स्टेज बनेगी. अब इस प्रोटोनेमा के बाद फिर वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे मेल और फीमेल क्या बनना है. तो आपने ये देख लिया एक बार, इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज है और फिर इसका स्पोरोफिटिक है, फिर गैमेटोफिटिक फेज. तो ये विशियस सर्कल टाइप का है ना, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द व्हाट Alternate, इसको बोलते हैं alternation of generation. किस टाइप का है, distinct, क्योंकि आप male और female और even आप gametophyte और sporophyte को differentiate कर पा रहे हो, तो that's why it is alternation of generation and distinct type. तो alternation and generation में आपका question आया तो आपका सबसे पहला emphasize होना चाहिए अच्छा सा diagrammatical representation और उससे related main main points आप लिख दीजिए and the answer will be complete itself. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है. Then next is अब मैंने बोला था कुछ sporophyte के बारे में पढ़ेंगे हम, important important. तो रिक्शा का sporophyte का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेते हैं कि रिक्शा का स्पोरोफाइट कैसा होता है. तो रिक्शा का स्पोरोफाइट में ना फुट और सीटा एब्सेंट होता है, सिर्फ कैप्सुलर रीजन दिखाई देगा आपको. देख रहे हो ये जायगोट बना, फिर जायगोट के बाद ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फिर ये स्पोरोजिनस मदर सेल्स बन गई, पूरा स्पोरोफाइट. लेकिन यहाँ फुट और सीटा तो दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपरली. ठीक है, तो फुट और सीटा एब्सेंट होता है. Then next, this is very very important. ये पेपर में आता है शॉर्ट नोट के लिए भाई, तो इसलिए आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिए, पढ़िएगा भी इसके बारे में. मार्किंशा का स्पोरोफाइट कई बार पूछा जा सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना. क्यों पूछा जा सकता है ये मैं बता देता हूँ आपको. अच्छा, इसमें फूट दिखाई देता है, सीटा भी इसका फूट भी होता है, सीटा भी होता है, पर सीटा और फूट एज कम्पेयर टू कैप्सूल के बहुत ही कम मतलब डीजेनरेटिव फॉर्म में होते हैं. लेकिन इसका कैप्सुलर रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशलाइज ये देख लो सांप जैसे स्ट्रक्चर. दीज आर नॉट द स्नेक्स. ठीक है, दो दे आर द लैटर्स. इन्हीं की बात मैंने कहा था कि लैटर्स को डिस्कस, लैटर्स पे शॉर्ट नोट जरूर आएगा आपका. लैटर्स पे आप कर लीजिए, कहीं भी आएगा, यहाँ ना आए वाने आप बोलोगे सर तो हर जगह कह रहे हैं ये भी आएगा वो भी आएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आएगा. ठीक है, तो इलेटर्स जो हैं आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्यों, भगवान ने इसको भी एक प्रिविलेज दिया है मार्किंशा को. ये इलेटर्स क्या, अब भाई इनको स्पोर्ट्स को बाहर लिबरेट भी तो होना है. अब ऐसे थोड़ी लिबरेट हो जाएंगे अपने आप अपनी मर्जी से. तो ये लैटर्स क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं. ये क्या कर लेते हैं, पानी को रिटेन कर लेता है. जब पानी को रिटेन करते हैं फूल जाते हैं. अब फूल जाते हैं इस कैप्सूल की तो कैपेसिटी नहीं कि जैसे गुब्बारे की कैपेसिटी थी कुछ देर तक ही फूलेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. तो ऐसे ये भी बर्स्ट हो जाते हैं और इस सारे स्पोर्ट्स बाहर लिबरेट आउट हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है आपका, बस अच्छा हो गया ना, फिर जर्मिनेट करेंगे. ठीक है, तो ये लेटर्स पे आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा. और ये डायग्राम आप जब भी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट आए मार्किंशिया का, तो ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है क्या क्या इसमें है स्ट्रक्चर. यहाँ आप सब देख रहे होंगे, सब आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा. अच्छा, इसके बाद का और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है एंथोसिरोस का. कई बार एंथोसिरोस का भी स्पोरोफाइट पूछ लिया गया है कि पूरा जरा स्ट्रक्चर ही, बस उसका स्ट्रक्चर ही पूछा गया है. तो मैंने देखो इससे पीछे वाले में आपने कॉलुमिला नहीं पढ़ा ना, मैंने वहां भी बताया था जब क्लासिफिकेशन की कॉलुमिला. तो यहाँ पर आपका कॉलुमिला स्टार्ट हो जाता है एंथोसिरोस में. ये वाला रीजन, ये स्टेराइल रीजन है, ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्पोर्ट्स वगैरह बनाने में. ये स्पोर्ट्स बनाने में बस ऐसे ही रहेगा एज सच. और इसके बगल वाली सेल्स जो हैं वो स्पोरोजिनस सेल्स होंगी. तो ये इसमें डिफरेंस जो स्टार्ट हो गया स्पोरोफाइट में. और इसका फुट भी ठीक है, सीटा भी इसका ठीक है, और कैप्सुलर रीजन भी इसका अच्छा खासा होता है. तो इसके अच्छे इसमें एक नई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. ये इन्वॉल्यूकर हैं दोनों तरफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सीटा को. ठीक है, ये इन्वॉल्यूकर. और ये सारे स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या क्या है, ये सब आप मेंशन कर दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा अच्छा सा. कॉलुमिला ही मेंशन कर दोगे आप एंथोसिरोस का मेनली, तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी विथ यू. वो ये समझ लेगा कि इनको कम से कम नॉलेज तो है कि कॉलुमिला कहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
देन नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बीएससी में भी पढ़ा होगा आपने, ये है आपका फिनेरिया का स्पोरोफाइट, लेकिन ये अभी भी आ सकता है, ये इसके आने के चांसेस तो कम है, लेकिन हाँ एंथोसेरोस का जरूर आएगा। अब इसमें देखो उसका कॉलोमेला कितना ज्यादा आपका वेल डेवलप्ड, कॉलोमेला रीजन स्टेराइल, इसकी सेल्स कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह नहीं बनाएंगी, ठीक है, और मदर सेल्स बगल में ही है इसके, वहां से आपके स्पोर्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। और ये इसका रीजन है, फूट से आ रहा है, ये सीटा वाला रीजन है। अच्छा, जो यहाँ सीटा वाला पोर्शन जो इसका, यहाँ देखिए यहाँ स्टोमेटा भी पाया जाता है इसके रीजन में, ये एपोफाइसल रीजन है, इसे एपोफाइसिस रीजन कहते हैं, और यहाँ की सेल्स जो होती हैं उनमें आपके क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका पार्शियल होता है, क्योंकि कुछ कुछ भी खाना है खुद भी बना लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एपोफाइसिस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, एपोफाइसिस वो रीजन है आपका कैप्सुलर रीजन, किसके कैप्सुलर रीजन, फिनेरिया का, जहाँ आपके की सेल्स कैसे होते कंडक्टिंग होती हैं, एज वेल एज दे आर द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, सो दैट्स वाई दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एट सम एक्सटेंट, एंड दैट इज वाई द स्पोरोफाइट ऑफ द फिनेरिया इज कंसिडर्ड एज पार्शियल, वट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आपका आ सकता है, पेरिस्टोमियल टीथ। अच्छा, फ्यूनेरिया हमारे साथ ह्यूमन बींग्स के साथ एक कैरेक्टर शेयर करता है, ये क्वेश्चन वाइवा का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कैरेक्टर शो करते हैं। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं ना, वट 32 यानी कि 32 दांत, हमारे मुंह में भी 32 दांत होते हैं ना, जो नॉर्मली हम मानते हैं, तो ऐसे ही आपके फ्यूनेरिया में भी 2 रिंग्स ऑफ टीथ्स पाए जाते हैं, इन्हें पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं, और ये भी ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे, तो दोनों में 16-16 दांत, ऐसे इसमें भी 16-16 दांत होते हैं, ठीक है, पेरिस्टोमियल टीथ। और जो बाहर का पेरिस्टोमियल टीथ की जो रिंग होती है, रिंग फॉर्म में होता है, वो होते हैं आपके उनमें थोड़ा सा एक, ये आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसे कट्स लाइक या सेप्टेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये बैंड्स हैं, लिग्निन के बैंड्स होते हैं, ठीक है, वो लिग्निफाइड होते हैं, और अंदर वाले स्मूथ, उनमें कोई लिग्निन का बैंड नहीं पाया जाता, यही डिफरेंस है आउटर और इनर। ये आपने बीएससी में भी शायद अलग किया होगा, जो फिनेरिया का आपने कैप्सुलर रीजन से पेरिस्टोमियल टीथ ही अलग करवाए जाते थे, लेकिन शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी शॉर्ट नोट आ सकता है पेरिस्टोमियल टीथ पे आपका, तो ये आप करेंगे। अपर कुलम कैप होती है जब वो हटती है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये दिखाई देते हैं पेरिस्टोमियल टीथ के रिंग, ठीक है, आउटर एंड इनर रिंग, और जब ये खुलते हैं, मीन्स खुलते कैसे, हाइग्रोस्कोपिक होते, खुलेंगे जब ये, तो तब ये स्पोर्ट्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे आराम से, और फिर ये नीचे गिरेंगे और फिर ये जर्मिनेट होंगे। तो ये पेरिस्टोमियल टीथ्स का थोड़ा आप कर लेना, और ये भी पूछ लेते कई बार एग्जाम, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द इनर एंड द आउटर रिंग ऑफ द पेरिस्टोमियल टीथ, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, इन द आउटर पेरिस्टोमियल टीथ वी कैन फाइंड द बैंड्स ऑफ द लिग्निन, बट इन द इनर रिंग ऑफ द पेरिस्टोमियल टीथ देयर आर नो सच लिग्निन डेपोजिशन, ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड द आउटर टीथ रिंग ऑफ द पेरिस्टोमियल। अच्छा, नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर लेते हैं ब्रायोफाइट का, अब ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, तो ब्रायोफाइट भी बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं आपको बोलूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, आप लोगों के शायद कई लोगों के दिमाग में आ भी गई होगी कि ब्रायोफाइट क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट कहाँ शो कर रहे हैं अपने डैम्प एंड शीटी प्लेस, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो कर दिया इन्होंने, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इकोलॉजिकल बैलेंसिंग में। कैसे इकोलॉजिकल बैलेंसिंग में, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी बनाते हैं सक्सेशन की, आपने पढ़ा होगा ना सक्सेशन, व्हाट इज सक्सेशन, सक्सेशन क्या होता है, ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ द विच टाइप ऑफ कम्युनिटी, लेसर एडवांस कम्युनिटी बाय द मोर एडवांस कम्युनिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन जब होगा तो ऑब्वियसली थोड़े लेसन के बाद क्या आएंगे आपके, भाई पहले ब्रायोफाइट में भी कौन सी वाली क्लास आएगी, हेपेटिसी, देन फिर एंथोसिरोटी, फिर मसाई, देन उसके बाद टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए टेरिडोफाइट के आने के लिए ग्राउंड कौन बनाएगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट कौन रखेगा सॉइल में, यही तो रखेंगे ब्रायोफाइट, है ना। तो इनका जब डाइट एंड डीके होगा तो और सॉइल इनरिच होगी, अब और सॉइल इनरिच होगी तो उसमें कौन आएंगे, नेक्स्ट टाइप की कम्युनिटीज आएंगी हायर, ठीक है। दूसरा दिस पॉइंट इज वेरी वेरी, पहला तो पॉइंट हो गया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अभी आगे और इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पीट, पीट सबको पता होगा एक टाइप का कोल है पीट, ये अच्छा कोल तो नहीं माना जाता बट फिर भी एक टाइप का कोल होता है, इसको भी कई जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर द पावर जनरेशन पर्पस। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अच्छे वाले बिटुमिनस, हमारी कंट्री तो बहुत प्रिविलेज है इस मामले में कि हमारे यहाँ बिटुमिनस कोल खूब ज्यादा है, खूब ज्यादा, जिससे कि हम खूब सारे
थर्मल पावर प्लांट्स चला रहे हैं। पता होगा आपको इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट्स को मेनली चलाने के लिए क्या होता है, कोल की आवश्यकता होती है। और हमारे पास अच्छा वाला ही कोल है जो कि अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे जहाँ पे ये बिटुमिनस कोल नहीं है अवेलेबल, तो दे यूज दिस पीट कोल। ठीक है, ये थोड़ा सा लेस कैलोरीफिक वैल्यू वाला होता है, बट एटलीस्ट ये भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एज पैकेजिंग मटीरियल। पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो दैट्स वाई कोई चीजें टूटे फूटे ना, जैसे आप घर में नई चीनी मिट्टी के या कोई भी क्रॉकरी होंगे तो वहां को सिंकरेटिंग से वो उसके अंदर डाल देते हैं ना, जैसे लाइक क्या डाल थर्माकोल शीट्स एंड ऑल। क्यों? क्योंकि जर्क्स वगैरह से टूटे ना या फूटे ना, तो इसी तरीके से इनसे भी पैकेजिंग मटेरियल हम बना सकते हैं। इससे बैडिंग स्टॉक बनाया जाता है, जनरली नर्सरीज में यूज होता है बैडिंग स्टॉक रखने, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट अच्छा कर लेते हैं, तो काफी दिनों तक अगर आप पानी भी नहीं दोगे तो प्लांट आपके सूखेंगे नहीं। मेडिसिनल यूज भी है इनका बहुत ज्यादा, इनका एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल यूज भी बहुत ज्यादा है, और इनको खाने के तौर पर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया ब्रायोफाइट्स आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला है सॉइल इरोजन को रोकेगा, ऑब्वियसली रोकेगा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे यूजुअली ग्रो डेंसली एंड हेंस एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। मॉसेस ग्रो इन डेंस स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग मैट और कार्पेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा एक बहुत इसमें इंटरेस्टिंग सी बात मैं बता देता हूँ, बचपन में आप सबने भी किया होगा, जन्माष्टमी में चंडोल से भी बनाते हैं ना, चंडोल बनाते हैं, फिर उसमें हम क्या बनाते हैं कि कृष्ण जी और राधा जी के लिए गार्डन भी हमें बनाना है ना। अब वो गार्डन बनाते हैं तो बच्चे तो भागते हैं इधर उधर, है ना, अब उन्हें जहां से जो अब ऐसी ऐसी जगहों पे भी चले जाते हैं जहाँ पे बड़ों को जाने में डर लगता है, तो वहां से क्या क्या लेकर आ जाते हैं, एक पूरा ऐसा मैट जैसा सा लेकर आ जाते हैं, बोलते हैं ये ना काई है, काई है। वो काई नहीं होती एग्जैक्टली, वो क्या होता है, वो आपका यही होता है, ब्रायोफाइट मॉसेस होती हैं वो मेरे लिए आपके। ठीक है, सो ध्यान से अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे देन यू विल फाइंड कि वो आपके मॉसेस विनेरिया ही होता है मेनली। ठीक है, लेकिन उसका एक बहुत सुंदर सा गार्डन बन जाता है, तो इसका मतलब इतने अच्छे से पूरा मैट लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें अगर पानी वानी पड़ेगा तो कोई ही सॉइल इरोजन नहीं होगा, ना एयर से होगा ना वाटर से होगा, सो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनाने में मैंने बोला मॉसेस एंड लाइकेंस, जब भाई ये मरेंगे तो वहीं मिक्स भी तो होंगे, तो सॉइल का तो अच्छा उपार्जन हो जाएगा ना, अच्छी न्यूट्रिटिव सॉइल बनेगी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द नेक्स्ट कम्युनिटी, है ना, हायर देन देम। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी करते हैं। बॉग सक्सेशन, बॉग होते हैं आपके कीचड़ वीचड़ वाली जगह पे, तो वहां पर अच्छा जो मैंने बोला पीट, पीट कहाँ से मिलता है, पीट स्फैग्नम, पीट मॉस। अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि पीट जो तुम बोल रहे हो कि पीट 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 बनता है कोयला, तो वो कोयला कौन से वाले ब्रायोफाइट से बनता है, तो स्फैग्नम को हम कॉमनली पीट मॉस भी बोलते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और रॉक बाइंडर बिल्डर्स तो हैं ही भैया, सम मॉसेज इन एसोसिएशन विद सम ग्रीन एल्गा जैसे कारा वगैरह हो गए, ग्रो इन वाटर स्ट्रीम्स, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का डेपोजिशन कर देते हैं वहाँ पे, जिसके कारण से वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब बड़े बड़े रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट के डेपोजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे कार्बोनेशियस अर्थ बन जाती है। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस, जैसे आपको पता होगा कि कोरल रीफ्स आपने देखे होंगे बड़े बड़े सागर महासागरों में, तो क्या है कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स कोई पत्थर या कुछ नहीं है, वो अगर आप जियोलॉजी पढ़ा होगा बीएससी में आपने, तो वो कोरल रीफ्स इटसेल्फ क्या है, वो एक्सक्रीशन है एंथोजोन्स का। ठीक है, तो वो ऐसा डेपोजिट होकर इतना सख्त बन जाता है कि कोरल रीफ्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये भी बना देते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पीट। पीट इज अ ब्राउन और डार्क कलर सब्सटेंस फॉर्म बाय द ग्रेजुअल कंप्रेशन एंड कार्बोनाइजेशन ऑफ द पार्शियल डिकम्पोज पीस ऑफ द डेड वेजिटेशन मैटर इन द बॉक्स। मैंने बताया अभी कौन है पीट मॉस, स्फैग्नम। स्फैग्नम इज एन एक्वाटिक मॉस, व्हाइल ग्रोइंग इन वाटर इट सीक्रेट्स सर्टेन एसिड्स इन द वाटर बॉडी। इन प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक इससे क्या क्या बनाए, इथाइल अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, पीट, टार, अमोनिया, पैराफिन, डाई, टैनिन मटेरियल्स, तो ये सब इससे बना सकते हैं हम। ठीक है, अब आ जाइए पैकेजिंग मटेरियल। तो ड्राइड मॉसेस, सूखी हुई मॉसेस को, अब आप बोलोगे सर तो कह रहे कि हाँ इसको कि हम पैकेजिंग के लिए तो गीला करेंगे हमारे तो पूरा खराब हो जाएगा मटेरियल, नहीं, ड्राई करके प्रॉपर। ड्राइड मॉसेस क्यों करा जाता है, ड्राई करके, इसलिए ड्राई करके कि कहीं देखो कहीं आपका बहुत दूर से मटेरियल आ रहा है, फॉर इंस्टेंस जब हम मान लीजिए अमेरिका से आना है, अब इस समय बरसात के मौसम में आना है, अब बरसात के मौसम में आएगा तो चाहे कितनी भी अच्छे से हैंडलिंग होगी, तो अगर वो बाय पोस्ट आना चाह रहा होगा या बाय पोस्ट या किसी मीडियम से, तो भीग भूख के कहीं खराब ना हो जाए, तो इसके कारण से उनको क्या करते हैं, हम ड्राइड मॉसेस उनमें डाल देते हैं, जिससे कि अगर मॉइस्चर आए भी अंदर पैकेट के तो वो कौन रिटेन कर लें, ये रिटेन कर लें, कौन रिटेन कर लें,
ये ब्रायोफाइट्स रिटेन करते हैं. ड्राइड मॉसेस एंड ब्रायोफाइट्स हैव ग्रेट एबिलिटी टू होल्ड वाटर. ड्यू टू दिस एबिलिटी द ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ कट्स फ्लावर्स वेजिटेबल पेरिशेबल फ्रूट्स बल्ब्स ट्यूबर्स एटसेट्रा. ठीक है, एज बेडिंग स्टॉक मैंने आपको बताया. बिकॉज ऑफ ग्रेट एबिलिटी ऑफ होल्डिंग एंड एब्जॉर्बिंग वाटर इन नर्सरीज बेड्स आर कवर्ड विद थैलाई ऑफ ब्रायोफाइट्स. कि भाई काफी दिनों तक अगर आप पानी, अब इतनी बड़ी नर्सरी में रोज थोड़ी पानी दिया जाएगा ना, तो पानी की कमी ना हो गर्मियों में. भाई कभी वर्कर हैं कभी वर्कर नहीं है. अभी जैसे हम ये सिचुएशन झेल रहे हैं कोरोना वाली, तो इतने दिन तक नर्सरियां बंद है, सारे वर्कर्स थोड़ी आए होंगे, है ना. तो वो लोग कैसे अपने प्लांट्स वगैरह को प्रॉपर रखें, तो उन्होंने क्या कर रखी होगी, हम बेडिंग कर रखी होगी पूरी इसी की, इनकी ब्रायोफाइट्स की, जैसे कि वहाँ पानी एक बार का डाल के वो रिटेन कर और फिर वो वाटर वहां पर आराम से प्लांट्स को पहुंचाते हैं. अब मेडिसिनल यूजेस अगर हम बात करें, तो सम ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड मेडिकली इन वेरियस डिजीजेस. फॉर एग्जांपल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये जो आपका ट्यूबरक्लोसिस तो पता ही है सबको, पल्मोनरी क्यों कहेंगे, सांस लंग्स में हो जाता है ना. एंड एफ्लिक्शन ऑफ लीवर, लीवर में अगर आपकी कुछ कमी आ गई है, तो आपको मार्केशिया की स्पीशीज उनका एक्सट्रैक्ट निकाल कर अगर दिया जाए, तो आप उनसे जो टैबलेट्स बनती हैं वो ये टीबी एंड लीवर की प्रॉब्लम्स को डिजोल्व करने में हेल्पफुल होती हैं. एक्यूट हेमोरेज एंड डिजीज ऑफ आइज, आपको आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और मतलब खुजलाना हो रहा है आंखों का, ये सब है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्फैग्नम वगैरह का यूज करा जा सकता है टैबलेट्स वगैरह में. स्टोन ऑफ किडनी एंड गॉल ब्लैडर, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं पॉलीट्राइकम का, ठीक है. अगर किसी को किडनी या गॉल ब्लैडर का स्टोन वगैरह हो, तो वहाँ इनका यूज करके इनका एक्सट्रैक्ट इनका जूस वूस कुछ भी पी के, तो स्टोन वगैरह डाइल्यूट हो सकते हैं आपकी बॉडी के. इन एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में अगर हम बात करें, तो लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज रिसर्च टूल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ बोटानी सच एज जेनेटिक्स. फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लीवरवर्ट स्फेरोकार्पस द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट वॉज डिस्कवर्ड. इसमें ही किया गया था सबसे, क्योंकि बहुत छोटा सा प्लांट है ना, छोटी सी बॉडी है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा स्टडी भी कर सकते हो. बड़े बड़े प्लांट्स को लाने में तो टाइम लगेगा ना, और कहाँ रखोगे उन्हें, स्टोर करके कहाँ रखोगे, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम रिगार्डिंग दियर स्टोरेज एंड ऑल. तो इसीलिए जैसे कि भाई अब सिलेंडर यूज करते हैं, तो सिलेंडर क्यों यूज हो रहा है घरों में, अब पाइपलाइन भी आ जाएगी कुछ दिन, सिलेंडर इसलिए यूज होता है, क्यों नहीं लकड़ियाँ, क्योंकि जहाँ एक सिलेंडर लगना है वहाँ हमारा लकड़ियाँ कितनी लग जाएंगी पूरी महीने की, पूरा घर भर जाएगा, है ना, और पॉल्यूशन अलग होगा. तो इसीलिए जो चीज़ में आप आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उस चीज़ को आप ज़्यादा अमाउंट में भी ला सकते हो, इसलिए ऐसी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया जाता है. फूड की बात करें, तो सम ब्रायोफाइट्स को जैसे मॉसेस हो गए, इनको फूड की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है. और कुछ रेनिडियस जो अलास्कन रेनिडियस हैं, रेनिडियस को तो इसी का ही खाना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ तो उगता नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी इन्वायरमेंट ऐसे मॉइस्ट वगैरह टाइप का रहता है, तो वहाँ पर उनको यही ब्रायोफाइट्स ही एज अ फूड के तौर पर दिए जाते हैं, ठीक है. तो अब एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप तैयार कर लीजिएगा, आपसे एफिनिटीज जरूर पूछेगा अगर कोई एग्जामिनर अच्छा पेपर बना रहा है, तो एफिनिटीज और ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं. अब एफिनिटीज क्या होती हैं, एफिनिटीज का मतलब होता है आपको उनका रिजेम्बलेंस भी शो करना है उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, और उसके डिफरेंसेस भी बताने हैं. अब ब्रायोफाइट से पहले आया आपका एल्गी, तो एल्गी के साथ ये क्या सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिव लिंक हो गया ना बिटवीन द एल्गी एंड द टेरिडोफाइट, ठीक है. तो एल्गी से इसकी क्या सिमिलैरिटीज है वो भी आपको डिस्क्राइब करनी है, एज वेल एज इसके डिफरेंसेस भी आपको बताने, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा. एफिनिटीज, एफिनिटीज का मीनिंग ही ये होता है, रिजेम्बलेंस एज वेल एज डिफरेंसेस, ठीक है. तो यहाँ तो मैं कुछ कम पॉइंट कर रहा हूँ, बट यू कैन एड ऑन मच पॉइंट, ठीक है, रिगार्डिंग दियर सिमिलैरिटीज. सो रिजेम्बलेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स विद एल्गी, सो प्रेजेंस ऑफ थैलॉइड एंड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी मेजर, दोनों में आपको पता है गैमेटोफिटिक फेज इज अ डोमिनेंट वन. ऑटोट्रॉपिक नेचर ऑफ द प्लांट्स, मेनली ऑटोट्रॉपिक ही होता है, गैमेटोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट तो बात की बात है. एबसेंस ऑफ रूट, दोनों में रूट एबसेंट है ना. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दोनों में है, कैरोटीनॉइड्स भी है, ल्यूटिन भी है, वायलोजेंथिन भी है, जियाजेंथिन भी है, कोई नहीं, बस आप क्लोरोफिल तक भी करोगे दैट्स ओके. प्रेजेंस ऑफ पायरोनाइड्स इन एंथोसिरोस, पढ़ा ना आपने, है तो ब्रायोफाइट का किसमें भी है, ग्रुप में तो है ना पायरोनाइड्स, ठीक है. एंड ग्रीन एल्गा में भी आपके पायरोनाइड्स थे. सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज की बनी हुई होती है. एब्सेंस, दोनों में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है. स्टार्च एज रिजर्व फूड मटीरियल है ना. प्रेजेंस ऑफ मोटाइल फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट्स है ना, और उसमें भी ऐसा ही है. वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, मैंने बता दिया, दोनों के बिना पानी के तो हो ही नहीं सकता ना. एल्गी तो पानी में ही रहती है, पर इसको भी पानी चाहिए ना फर्टिलाइजेशन के.
अच्छा डिफरेंसेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक, जबकि ये क्या होते हैं मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक्वेटिक भी होते हैं, लेकिन मेनली तो ये टेरेस्ट्रियल ही हुए ना। डायमेंशियली प्ले प्लांट बॉडी डज नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे तो एक ही सिंगल सेल है या वो है, तो उसमें तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि नेक्स्ट कैनाल सेल क्या काम कर रही है ना, आपकी अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस क्या काम कर रही है, सब हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर्स है जो सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था यहाँ पे, आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस तीनों टाइप का था, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ कौन सा वाला है, ओगैमस टाइप है। सेक्स ऑर्गन्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर एंड डू नॉट हैव कवरिंग ऑफ स्टेराइल सेल्स, जबकि मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ स्टेराइल जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर, तो ये इसमें पाया जाता है। जायगॉट डज नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता और यहाँ से एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एल्गी एंड द ब्रायोफाइट। इसी तरीके से आपको ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, क्योंकि ये कनेक्टिव लिंक आपको दोनों तरफ के पढ़ने पड़ेंगे। अब जब टेरिडोफाइट पढ़ोगे तो ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के साथ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ठीक है। तो डिफरेंसेस अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं डोमिनेंट फेस में हमने बताया कौन सी है, गैमेटोफिटिक। अभी मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ डोमिनेंट हो जाती है। वैस्कुलर टिश्यूज यहाँ एब्सेंट होते हैं, और इसको हम फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट्स बोलते हैं, तो यहाँ वैस्कुलर टिश्यूज तो होंगे प्रेजेंट। प्लांट बॉडीज थैलॉइड और फॉलियोस टाइप होती है, जबकि यहाँ पे प्लांट बॉडीज अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाती है रूट स्टेम्स एंड लीव्स में ठीक है। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, बात करी थी ना ये हमने, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट इज ऑटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट होता है इसका टेरिडोफाइट। तो ये इनके हैं आपके डिफरेंसेस और रिजेम्बलेंस शो करें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की क्या सिमिलैरिटीज है। द कैप्सूल ऑफ सम मॉसेस इज आइडेंटिकल विद द टर्मिनल स्पोरेंजिया ऑफ द साइलोफाइटिल्स हैविंग कॉलियोमिला, इनके भी स्पोरेंजिया में कॉलियोमिला पाया जाता है, और आपके ब्रायोफाइट्स के भी अभी हमने बताया ना स्पोरोफाइट के कैप्सूल में कॉलियोमिला पाया जाता है, वन ऑफ द पैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक एंड द रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया सिमिलर, आर्चिगोनेट हम इनको बोल रहे हैं। एंथ्रोजॉइट्स आर मोबाइल एंड फ्लैजिलेटेड होते हैं। नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्म एम्ब्रियो, प्रेजेंस ऑफ हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों में पाया जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजेम्बलेंस बिटवीन दैम। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आ सकते हैं। एक्सप्लेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स, एक्सप्लेन द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, पूरा एक्सप्लेन करना है। व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द ब्रायोफाइट्स, एक्सप्लेन इट इन डिटेल ठीक है। जब भी डिटेल की बात होती है बी कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ब्यूटीफुल डायग्राम इटसेल्फ ठीक है। एंड एक्सप्लेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट इन डिटेल, पूरा बता दो, डायग्राम बना सकते हो तो बना दो, वेरी गुड ठीक है ना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिमेकप्स इलाटर्स प्रोटोनिमा कॉलियोमिला एंथ्रोजॉइट्स पेरिस्टोमियल टीथ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम एनसीसी एंड बीसीसी scales and rhizoids ठीक है। so these are the questions which you can prepare for your exams and thank you very much।